अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3 ईयर एसएसटी यूनिट नंबर 2 चैप्टर 5 फॉर ऑल टू यूज क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डन दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक. क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द सर्विसेज नेम्ड इन द लेसन डू यू यूज. वी यूज द सर्विसेज ऑफ स्ट्रीट क्लीनर्स, द पोस्टमैन, द पुलिस एंड द फायर फाइटर्स. हम कौन कौन से सर्विसेज इस लेसन में पढ़ेंगे? हम पोस्टमैन की, क्लीनर्स की, पुलिस की और फायर फाइटर्स की सर्विसेज इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ इज अ गवर्नमेंट चूजन. गवर्नमेंट को हम कैसे चूज करते हैं? थ्रू एन इलेक्शन बाय वोटिंग एंड चूजिंग द पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस. हम जो है इलेक्शन, आपको पता है इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, वोट कास्ट होता है और फिर हम उन लोगों को जो है वो चूज करते हैं जिनको हम अलाउ करते हैं कि वो हमें रूल कर सकें या वो रूल्स को मेक बना सकें जिनको हम फॉलो कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गवर्नमेंट डू. गवर्नमेंट करती क्या है? इट डिसाइड्स हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे. ये डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स पे करना है. देन वी हैव इट प्रोवाइड्स अस विद सर्विसेज सच एज बिल्डिंग, रोड्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स. इट प्रोवाइड्स अस विद वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट्स एटसेट्रा. ये जो है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स को बनाना, फिर उसके बाद पीपल, पब्लिक बिल्डिंग्स को बनाना, फिर उसके बाद जो है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, जितनी भी हमारी नेसेसरी बेसिक नीड्स होती हैं इसका ये काम होता है कि ये हमें प्रोवाइड करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स. टैक्स होता क्या है? अब हमें पे करना है तो हमें पता भी होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है एंड हाउ इज इट यूज्ड. ये यूज किस तरह होता है? टैक्स इज मनी कलेक्शन फ्रॉम द सिटीजन्स व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर देम. टैक्स जो है वो एक तरह का मनी कलेक्शन होता है जो सिटीजन्स को, जो उस मुल्क के, उस एरिए के रहायशी रहने वालों को जो है वो पे करना होता है ताकि उनके लिए जो है वो चीज़ें या उनके लिए वो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं वो फुलफिल हो सकें. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 इज सर्विसेज. सर्विसेज के भी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने इसी तरह से राइट करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर. एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु माइट यू फाइंड वर्किंग एट द फॉलोइंग प्लेसेस. अ फायर स्टेशन, अ पुलिस स्टेशन एंड अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में, फायर स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में कौन कौन से लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं? फायर स्टेशन में जो है वो फायर फाइटर्स काम करते हैं. देन पुलिस स्टेशन में जो है वो पुलिसमैन काम करता है. देन डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो हॉस्पिटल्स में काम करता है. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन अ फायर इंजन और एन एम्बुलेंस ऑन द रोड, वेयर डू यू थिंक इट वॉज गोइंग. क्या आपने कभी जो है वो एम्बुलेंस और फायर इंजन को जो है वो देखा है? और अगर देखा है तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जा रहे होंगे? The first part of the answer would obviously be yes. जाहिर सी बात है, हमने देखा है. The answer to the next part could be that the fire engine was going to the site of a fire to put it out and an ambulance was rushing a patient to a hospital for treatment. सबसे पहले तो हमने देखा है, फिर उसके बाद जो है फायर इंजन जो है वो जा रहा होता है जहाँ आग लगी होती है वहाँ आग बुझाने के लिए, और एम्बुलेंस जो है उसके अंदर जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कोई पेशेंट ही होगा जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा होगा. Then question number 3, what work do the police do? पुलिस क्या करती है? The job of the police is to keep us and our property safe. पुलिस का काम होता है कि वो हमें और हमारी प्रॉपर्टी को जो है वो सेफ रख सके. स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों चैप्टर्स हैं, आपने इनको नोटबुक के ऊपर बहुत नीटली डन करना है. क्वेश्चंस को आपने बुक में से कॉपी करके नोटबुक पर राइट करना है. देन ये क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं और वर्क पेजेस सॉल्व करने हैं 27, 28, 32 और 33. बहुत केयरफुली आपने अपना टास्क जो है वो डन करना है.